रचना सुनाई, दोनों ने उपदेश लिया। अब धर्मदास जी कहने लगे, ये भगवान ने एक बात बताऊं। आखा बता भाई, तो अब के कर ले इस मन का। ने बोला, भगवान है आपका सतलोक कहाँ है, वो हमने कभी सुना नहीं देखा नहीं। और मालिक भी चाहते थे गवाह बनाना। कहने लगे, भाई ठीक है, तू भक्ति करे और कोई ना, मैं फिर आऊँगा कभी और फिर तुझे बताऊँगा। एक दिन परमात्मा वहाँ प्रकट हुए, धर्मदास को दिख रहे हैं और कहा, धर्मदास आज तुझे अपना मेरा लोक दिखा के लाऊँ, सतलोक कहाँ है। वो ले गए, उधर से वो मूर्छित हो गया। अब तीन दिन तक धर्मदास मूर्छित पड़ा रहा। आमनी देवी ने देखा, मेरा पति मर गया, हाहाकार मचा दी, रिश्तेदार आ गए, लेकिन वो मरिया को ना नाड़ी देखे, नाड़ी चल रहा है, बेहोश पड़ा। उधर से परमात्मा ने सारे लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, फिर सतलोक दिखाया। वहाँ देखा परमात्मा को, ये तो खुद मालिक नीचे गए हुए। और वहाँ जा करके देखा कि वो तो गंध है नीचे, जहाँ हम रह रहे थे वो तो बिल्कुल गंदा लोक है, वहाँ तो जाना नहीं चाहिए इसे गंदे लोक में। वहाँ जाकर देखा, उन आत्माओं से मिले जो जहाँ से हम बिछड़ कर आए थे। तब धर्मदास की सारी भ्रमणा भटकना जो शंका थी खत्म होगी। तब नो बोला, हे भगवान मुझे वापस ना भेजो दाता वहाँ पर, अब यहीं रख लो मेरे भगवान, मुझे नहीं चाहिए वहाँ का कुछ भी। तो परमात्मा बोले, भाई ऐसे नहीं रख सकते बेटा, आप जाओ, मैं तेरे साथ रहूँगा और वहीं मैं काशी में एक दानक रूप में रहता हूँ, जुलाहे रूप में, और नीरू नीमा का मुँह बोला पुत्र हूँ और वहाँ जुलाहे का काम करता हूँ। बेटा वहाँ आ जाना, तुझे मैं आगे सारनाम और सतनाम दूंगा और भक्ति करके आप वापस आ सकते हो। आप यहाँ से भक्ति युक्त गए थे, वो धन तुमने वहाँ उस काल के स्वर्ग में महास्वर्ग में नष्ट कर दिया, वो धन भक्ति का। अब वो भक्ति की कमाई से फिर चार्ज हो जाओ तुम, वो नाम ऐसा दूंगा, एक ही श्वास के सिमरण में तुम्हारी ढेर सारी कमाई हो जाएगी। अब कहते हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का सिमरण श्वास उश्वास का इतना कीमती है कि 3 लोक, ये स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, तो कहते हैं ये पासंग धर दे किसके, ये तो आवश्यकता ही नहीं है इनकी, इतनी तो कोई वैल्यू ही नहीं। और 14 लोक चढ़ावे, विष्णु का लोक, शिव का लोक, धर्मराज का लोक, शंकर जी का लोक, ब्रह्म लोक, और ये सभी 14 लोक कहते एक तरफ रख दे। एक तरफ तो एक श्वास के सतनाम के सिमरण की कमाई और एक तरफ ये सारा ब्रह्मांड, कहते तो भी वो पलड़ा भारी रहेगा एक सतनाम के सिमरण का। परमात्मा कहते, कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जाता है, यू 3 लोक का मोल। तो पुणात्माओं, आप देखो आपने कितना धन इकट्ठा करना, हम कितने भक्ति धनी थे। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला तू ताते जीव कहाया। मेरे हंसा भाई, जब तू सतलोक से आया तू भक्ति से परिपूर्ण था, अब तू कंगाल हो लिया, अब उतना ही साहूकार बन ताकि तू वहां स्थाई स्थान पा सके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता, मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो तत्वदर्शी संत से उस 3 नाम का मंत्र लेकर साधना कर, उस भक्ति के शक्ति के बल से, यानी उस भक्ति की कमाई से तू उस परमात्मा के पास जाएगा। तब धर्मदास कहता है, मत भेजो महाराज, यम की नगरी है मोहे, राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है मोहे, राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है। वहां जाकर पता लग गया हमने के जुल्म किया था, हम कैसे वहां नरक में गिरे, कैसे काल के जाल में फंसे हैं, हमने अपने भगवान को भूला और उसको चाहा। नो कहे, मुझे रख लो भगवान, हमसे बिगड़ी है, हमसे भारी गलती बनी है, और वो तो काल की नगरी है भगवान, मुझे मत भेजो महाराज, काल की नगरी है,
वहाँ से नीचे आते कड़जा का पैनू देख, क्योंकि वहाँ जाकर आँखें खुल जाती हैं, दिव्य दृष्टि हो जाती है। फिर भी परमात्मा बोले, बेटा तू चाह मैं तेरे साथ रहूँगा, फिर तू आना काशी में, वहाँ तुझे मैं मिलूँगा। फिर क्या हुआ, तीन दिन तक तो बेहोश पड़ा रहा, साहकार मच रही, और फिर एकदम सचेत हो गया और उठते न बोले, भगवान कहाँ गया, परमात्मा कहाँ गए। तब उसने सारी कथा बताई। अब सौपन भी को ना, क्योंकि सारे रोन लाग रहे बैठे बैठे। फिर धर्मदास बोला, भगवान आए हुए हैं, बनारस जाऊंगा, भगवान को पाऊंगा। तो वहाँ काशी में गए, भगवान को देखा और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। हम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, हमें अपने मूल ठिकाने का ज्ञान नहीं। वो परमात्मा हम पर रहम करते हैं, दया करते हैं, अपने सतलोक से चलकर यहाँ इस काल के लोक में आते हैं और हमें अपने मूल स्थान की जानकारी कराते हैं, अपनी महिमा से हमें परिचित कराते हैं। उसी उपलक्ष में ये 5 दिवसीय समागम या आश्रम बरवाला में चल रहा है। वो पुण्यात्मा हैं जो इस सत्संग के अंदर पहुंच पाए हैं या इनको ये सत्संग सुनने को उपलब्ध हो रहा है। विश्व में यदि सत्संग है तो ये बरवाला आश्रम में है। बाकी सब उवा बाई का ज्ञान कहते हैं, उनके सत्संग का कोई सिर और पैर नहीं है। केवल भोली आत्माओं को चतुरता के आधार से अपने पीछे लगाए हुए हैं। आपका सौभाग्य है कि आपको यथार्थ ज्ञान और शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि प्राप्त हो चुकी है। अब आप जी ने देखना है कि इस मार्ग पर कौन कितनी स्पीड से चल रहा है। रास्ता यही है, इससे पहले हम को मार्ग पर घूम रहे थे। ये सुपथ है, सुमार्ग है, सत साधना है। इस पे जितना भी जो करेगा, जितना तीव्र गति से इस पर चलेगा, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा सुमन सेवा, दान भक्ति सेवा करेगा, वो परमात्मा के निकट शीघ्र पहुंच जाएगा। सभी सदग्रंथ प्रमाण करते हैं कि कबीर नामक परमेश्वर है, वो सतलोक में रहता है और वहाँ से चलकर वो परमात्मा स्वयं गति करके यहाँ सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। पुण्यात्मा पवित्र चारों वेद और परमेश्वर के द्वारा दिया गया वह सूक्ष्म वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये स्पष्ट करते हैं कि वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म जो है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी से मोक्ष होगा, वही हम सबका स्वामी है, वही पाप नाशक है, वही इष्ट रूप में पूज्य है। पुण्यात्मा आज 4th दिन हो चुका है सत्संग समागम को, और अभी तक हम परमात्मा की महिमा को आंशिक भी नहीं आपको सुना पाए हैं। परमात्मा की लीलाएं, परमेश्वर की लीलाएं जो हैं, वो आज आपको सुनाएंगे। वैसे तो ये भी लीलाएं थी, लेकिन कलयुग के अंदर परमात्मा ने और अन्य कौन कौन सी लीलाएं की जो भगवान किया करता है। पुण्यात्मा, हमने श्री राम, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री राम कहो, श्री विष्णु जी कहो, चाहे श्री कृष्ण जी कहो, और भगवान शंकर जी और अन्य देवी देवताओं को जो
हम मानते थे वो किस आधार से हमने माना, लोक वेद के आधार से और कुछ उनकी लीलाओं के आधार से। जैसे परमात्मा की तुलना सदग्रंथों से की जाती है, सदग्रंथों से ही उसकी जानकारी होती है, और तुलनात्मक तरीके से जब इन भगवानों को हम इनकी तुलना करेंगे आपस में तो तब निर्णय होगा। जैसे हम सुनते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के दो मुट्ठी बुने हुए चावल खाकर एक सुंदर महल बना दिया और उसको धन दे दिया, उसका गुजारा उस जीवन का खूब हो गया। पुण्यात्माओं, ये देखने की बात है कि जैसे सुदामा जी ब्राह्मण थे और अति दारिद्र थे, निर्धन थे कतई, और भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़िया करते। बड़े होकर के श्री कृष्ण जी तो द्वारका में राजा बन गए, सुदामा जी अपना गरीबी हालत में ही अपना गुजारा कर रहे थे। ऐसी स्थिति होने लगी कि कई बार तो बच्चे भूखे सो जाते थे। सुदामा की पत्नी बहुत बार कहती थी कि आप अपने बताते हो कि मेरे मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण और वो द्वारका के राजा हैं, आप उनसे कुछ धन मांग लो। सुदामा जी कहा करते थे, ब्राह्मण का काम मांगना नहीं है। यही सदग्रंथ बताते हैं, जो मांगे सो बढ़वा कहिए, दर दर फिर अज्ञानी और जोगी जोग संपूर्ण, जिसका जो मांगना पीवे पानी। नट प्रेरणा कंदर सासी मांगते हैं बठियारे, और जिनकी लो लागे सतगुरु में वो तो मोती दे उदारे। फिर भी ज़्यादा कंपेल कर दिया उसकी पत्नी ने और वो चल पड़ा फटे पुराने कपड़े। अब द्वारका में जब पहुंचा श्री कृष्ण जी के पास, श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि जैसे जाते थे रिश्तेदारों के जाते, कोई तो बर्फी ले जा, कोई लड्डू ले जाता है, पहले कसार भून के ले जाया करते थे, और कुछ व्यवस्था ठीक होने उसकी पत्नी ने चावल भून के दे दिए थोड़े से। अब श्री कृष्ण जी ने कहा भी कुछ हमारे लिए लाए हो, उसने वाला कोली पोटली के दिखा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया और वो आहार किया। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि आप की क्या व्यवस्था है, आप परिवार ठीक है, कुशल है? तो सुदामा जी कहने लगे, भगवान आपकी कृपा से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। अब उधर से श्री कृष्ण जी ने देख लिया फटे पुराने कपड़े, वो जान गए थे गड़बड़ हो रही है सारी, पर यो महान आत्मा है, ये कुछ नहीं कहेगा। उधर से पीछे से श्री कृष्ण जी ने अपना इंजीनियर बुला लिया विश्वकर्मा, और सुदामा जी का महल बनवा दिया वहाँ पर। 5-7 दिन सुदामा जी को वहीं रखा, अपने मित्र के आप पैर धोए, स्वच्छ अच्छे कपड़े पहना दिए, और 7वें 8वें दिन वो चलने लगे। जब सुदामा जी कहने लगे, अच्छा मित्र अब मैं चलता हूँ, और अच्छा जाओ। अब रास्ते में आके सुदामा जी का थोड़ा दोष आ गया था कि वह देख लिया मित्र मेरी स्थिति को भी नहीं देख सका, मेरी के हालत हो रही है, और मेरे से पूछा है और कुशल है, क्या उसको नहीं दिखाई दे था? यानी इतना सा दोष आया था, क्योंकि ये मन बड़ा उस्ताद है। इतने में क्या हुआ कि वो नए कपड़े पहन रहा था, रास्ते में लुटेरों ने सोचा कोई सेठ है, उसके वो कपड़े भी तार लिए कति एक लंगोटी में छोड़ दिया। इस चल पड़ा वहाँ था लंगोटी लंगोटी में, और फिर कोसरा श्री कृष्ण जी ने देख देख